गो संरक्षण संवर्धन और गो उत्थान को लेकर अलग अलग जगह पर अलग अलग संस्थाएं कार्यरत हैं, और इसी श्रृंखला में गो समग्र संस्था है। उन्होंने एक गायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं श्री द्वारकाधीश मंदिर राजसमंद में, और द्वारकाधीश मंदिर के साथ ही अलग अलग क्षेत्र से कई लोग इसमें शामिल होंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और क्या भविष्य में इन गो संरक्षण को लेकर किया जा सकता है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। अभी हमारे साथ में गो समग्र संस्था के राष्ट्रीय संयोजक और श्री द्वारकाधीश मंदिर के कार्यकारी अधिकारी विनीत जी सनाडे हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो आयोजन होने वाला है कब होगा और इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे और किस तरह की चर्चा इसमें होगी संगोष्ठी। देखिए, गायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। उसी कड़ी में गो समग्र की एक राष्ट्रीय संस्था है जो गायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गाय के गोबर से जो उत्पाद निर्मित होते हैं उसके लिए एक लंबे समय से कार्य कर रही है। उसी कड़ी में इस बार राजसमंद में गो समग्र का एक ज्ञान गो विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन हम 15 और 16 जुलाई को यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें भारत के 20 राज्यों से जो प्रतिनिधि हैं वो सम्मिलित होंगे, और राजसमंद की हमारी जितनी भी गौशालाएं हैं उनके प्रतिनिधियों को हमने इसमें आमंत्रित किया है, जिनको हम बताएंगे कि गाय के गोबर से हम क्या क्या वस्तुएं निर्मित कर सकते हैं और किस तरह से हम गायों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। क्योंकि आज गाय पालन करना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। अभी तक जो गोपालक हैं वो बहुत हद तक खाली गाय के दूध पर ही निर्भर हैं, उसी से उनकी आय का जरिया होता है। अगर गोबर से निर्मित वस्तुएं या गोबर से निर्मित उत्पाद हैं अगर उनका भी इसमें समायोजन हो जाए तो गाय को पालने में जो गोपालकों को दिक्कत आती है उसमें एक बहुत हद तक उनका समाधान होगा। इस पूरे आयोजन में भारत के 20 राज्यों से कई विशिष्ट लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो गो समग्र से जुड़े हुए हैं, गायों के संवर्धन के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही भारत के जो सूचना आयुक्त हैं उदय मोहरकर, वो भी हमारे साथ इस प्रमुख आयोजन में जुड़ेंगे। इसके अलावा कई विशिष्ट लोग जो हैं वो 15 और 16 को आएंगे। 16 तारीख प्रातः 9 बजे से इसका सत्र आरंभ होगा जो लगभग 1 बजे तक चलेगा, और इसमें परम पूज्य महाराष्ट्रीय तृतीय पीठाधीश्वर डॉक्टर वागीश कुमार जी का सानिध्य भी हमें इस आयोजन में प्राप्त हो रहा है। एक इसमें गो संवर्धन की जो बात आ रही है तो मुख्य रूप से मैं ये बताना चाहता हूँ कि गायों के लिए तो फिर भी दूध की जो बात आपने बताई, लेकिन अगर उसकी जगह गोवंश जो मैं कहूँगा बैल, उनका तो जैसे अभी आजकल कोई उपयोग भी नहीं रह गया। अगर गोबर के ऊपर रिसर्च किया जाए, इस पर चिंतन किया जाए तो वाकई जो इन बैलों की हैं, इन सांडों की लेकर भी काफ़ी संरक्षण। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं आपको प्रकाश डालना चाहूँगा कि अभी आपने देखा होगा सड़कों पर आवारा पशु बहुत ज़्यादा घूमते हैं, और कई ऐसे गोपालक हैं जो बेकार होने पर या यूँ कहें कि दूध नहीं देने पर अपने जो गाय हैं या अपने जो भी हैं उनको बाहर छोड़ देते हैं। अभी एक बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है जिसमें गाय के गोबर से एक ऐसी औषधि बनाई जा रही है जिस औषधि को युद्ध में जो सैनिकों की गोली लगती है उसके ऊपर लगाने से उस गोली से जो रक्त निकलता है उसको तुरंत ही बंद कर किया जा सकता है। ये इसका लगभग 90% काम पूरा हो चुका है, और जिस दिन इसको भारत सरकार से या डॉक्टर्स से अनुमति मिल जाएगी और जिस दिन ये बाज़ार में आ गई, आप निश्चित तौर पर ये मान के चलें कि एक भी गाय जो है, एक भी बैल जो है, आपको सड़क पर घूमता हुआ नहीं मिलेगा। क्योंकि उसकी जो डिमांड बढ़ जाएगी गोबर की आपकी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा था कि लगभग 8,000 रुपये किलो के हिसाब से गोबर का जो भाव है वो हो जाएगा। क्योंकि गोबर में एक ऐसा पदार्थ निकलता है जो तुरंत जैसे ही गाय या बैल गोबर करता है उसको तुरंत अगर उसको उठा लिया जाए, और एक चिपचिपा पदार्थ होता है सफ़ेद कलर का, उसको उसी वक्त उसमें से निकाल लिया जाए तो उसकी औषधि उस काम में आएगी और इसकी जो मूल्य है गोबर का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी। ये जैसे आपने बताया कि निश्चित तौर पर अगर गोबर को लेकर जो रिसर्च चल रही हैं वो धरातल पर उतरती हैं तो निश्चित तौर पर न सिर्फ गो संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जो शहर ग्रामीण व हाईवे की सड़कों पर बेतरतीब घूमने वाले गोवंश से भी राहत मिलेगी और इससे जो होने वाली दुर्घटनाएँ हैं वे भी कम होगी। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में।
श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।